Hey guys, what's up? My name is Ibrahim Tavish and this is the Gaming News Part 11. So stay tuned with us. So guys, जैसा कि आप जानते हैं कि ये Gaming News Part 11 है, जो पहली न्यूज़ आ रही है वो Ubisoft Event की तरफ से आ रही है कि वो जो इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने अपने 3 बिग टाइटल्स के बारे में बात किया, एक Assassin's Creed Valhalla, उसके बाद Far Cry 6 और उसके बाद उन्होंने अपनी नई वॉच डॉग लीजन के बारे में बात की है। पहले हम Assassin's Creed Valhalla की बात कर लेते हैं कि उन्होंने उसकी हमें लॉन्च डेट बताई है कि वो आ रही है हमारे पास नवंबर में, जो बहुत अच्छी बात है और बस ये हमारी उम्मीद है कि वो डिले ना हो। उसके बाद जो सेकंड न्यूज़ आ रही है वो Far Cry 6 के बारे में आ रही है, उसका उन्होंने ट्रेलर दिखाया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्राफिक्स कितने इन्हेंस है, कितने अच्छे लग रहे हैं। और Far Cry 6 की भी उन्होंने लॉन्च डेट बता दी है कि उसकी लॉन्च डेट February 2021 में वो आ रही है और फरवरी के टॉप 10 डेज में ही आ रही है, वो टॉप 10 थे। और जो तीसरी न्यूज़ आ रही है वो वॉच डॉग लीजन की तरफ से आ रही है कि उसकी भी उन्होंने लॉन्च डेट हमें बता दी है कि उसकी लॉन्च डेट 29 अक्टूबर है और वो भी बहुत जल्दी आ रही है और उम्मीद है कि वो डिले नहीं होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड इफ यू लाइक द वीडियोज़ आल्सो लाइक इट।